हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है त्रयोबस्थम। उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पोर्शंस कवर कर लिए हैं। तो सिलेबस पर आ जाते हैं। तो स्वस्थ वृत्त का ये सिलेबस है और इसमें हमने पेपर वन में इंट्रोडक्शन कर लिया था, दिनचर्या कर लिया था, देन हमने रात्रिचर्या भी कर लिया था, देन हमने ऋतुचर्या कर लिया था, फिर हमने सद्वृत्त भी कवर कर लिया था। अब जो कोई भी ऐसा टॉपिक जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो यू कैन जीमेल मी दैट टॉपिक और यू कैन कमेंट डाउन बिलो, ताकि हमें पता चल सके कि आपको किस चीज़ में ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ रही है, किस टॉपिक में। ओके, तो त्रयोबस्थम हम देखते हैं। बहुत ईजी है, कुछ इसमें ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो बहुत ईजिली हो भी जाएगा। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं क्या क्या है। आहार, तो आहार की निरुक्ति, स्वरूप, प्रमुखत्व, आहार द्रव्य वर्गीकरण, आहार विधि विधान, ठीक है, द्वादशान, प्रविचारना। ठीक है, तो ये सारा जो टॉपिक्स हैं, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं। आज जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो है ये फर्स्ट पैराग्राफ। आप साइड बाय साइड सिलेबस मैच करते हुए जा सकते हैं, मैं टॉपिक वाइज ही पढ़ाऊंगी। ठीक है, आप अपना सिलेबस साइड में रख के, साथ में बुक रख के और मेरी वीडियो वॉच करते हुए आप पढ़ सकते हैं। एक एक पॉइंट जो है वो ऑर्डर वाइज आता जाएगा। प्लीज कीप योर अटेंशन विद मी। नाउ लेट्स स्टार्ट कि त्रयोबस्थम होता क्या है बेसिकली। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे आगे का पोर्शन जो कि सिलेबस रिलेटेड है, पर थोड़ा सा एक जिस्ट ले लेते हैं कि हम पढ़ने किसके बारे में वाले हैं। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो आहार विधि विशेषा यत्नों के नाम लिखते हुए भोजन के संस्कारों का वर्णन कीजिए। ये 10 से 15 मार्क्स के बीच में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, या फिर वो पूछ सकते हैं कि आहार एवं संतुलित भोजन को परिभाषित करते हुए जीवनीय तत्वों की आहार में उपयोगिता वर्णन करें। ये 10 से 20 मार्क्स के बीच में पूछा जाता है यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में। देन दे कैन ऑल्सो आस्क यू अबाउट कि डिफाइन आहार निरुक्ति स्वरूप अलॉन्ग विद आहार द्रव्य वर्गीकरण अकॉर्डिंग टू बृहत त्रयी। ठीक है, तो दीज आर सम काइंड ऑफ क्वेश्चन जो कि पूछे जाते हैं 10 या 20 मार्क्स में। तो इसमें से जो क्वेश्चन बनेगा त्रयोबस्थम में से, वो बेसिकली इस आहार वाले पोर्शन में से तो 10, 15, 20 मार्क्स का ही बनता है। छोटे क्वेश्चन कम प्रेफर करे जाते हैं। ठीक है, सो नाउ लेट्स वॉच कि त्रयोबस्थम किस बारे में है और क्या बताता है हमें। तो त्रयोबस्थम, ये देखिए आप, त्रयोबस्थम इति आहारः स्वप्नो ब्रह्मचर्यम इति। तीन उपस्तंभ तत्व जो शरीर को धारण करते हैं, ऐसे तीन, क्या बोला है, तीन उपस्तंभ तत्व जो शरीर को धारण करते हैं। तीन उपस्तंभ कौन से बोले गए हैं? तो बोले हैं आहार, निद्रा एवं ब्रह्मचर्य। ठीक है, तो यहां त्रयोबस्थम से मतलब है तीन स्तंभों का, और वो तीन स्तंभ कौन से हैं? पहला है आहार, दूसरा है निद्रा और तीसरा है ब्रह्मचर्य। ठीक है, इसके आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। इन तीनों के युक्ति पूर्वक प्रयोग द्वारा शरीर दृढ़, मजबूत तथा बल, वर्ण और पुष्टि से युक्त होता है। अगर ये तीनों जो है हम युक्ति पूर्वक प्रयोग करते हैं, तो इसका अगर हम इन तीन पिलर्स का अगर युक्ति पूर्वक प्रयोग किया जाता है, तो शरीर कैसा होता है? दृढ़, ठीक है, मजबूत, बल आता है, वर्ण आता है, एक कांति आती है, एक पुष्टि आती है शरीर के अंदर। ठीक है, अगर इन तीन स्तंभों का अच्छे से प्रयोग करा जाए तो हमें क्या क्या मिलता है? बल, वर्ण, ठीक है, और पुष्टि, ये सब हमें मिलता है। इन तीनों उपस्तंभों का उचित मात्रा में सेवन करना ही आयु का कारण है। अगर हम इन तीनों उपस्तंभों का उचित मात्रा में सेवन करते हैं तो ही हमें आयु स्वास्थ्य प्रदान होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि तीनों का यूज तो करना है, पर एप्रोप्रिएट मात्रा में करना है, ना ज्यादा ना कम। ठीक है, ये नहीं है कि आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य अगर तीन पिलर से तो सोते ही जा रहे हैं पूरे पूरे दिन, खाते ही जा रहे हैं पूरे पूरे दिन। ठीक है, तो तीनों का यूज तो करना है, पर लिमिटेड, नॉट ज्यादा नॉट कम, लिमिटेड सम। ठीक है, फिर उसके बाद है शरीर का धारण करने के तीन प्रमुख स्तंभ वात, पित्त, कफ हैं। ऐसे ही त्रयोबस्थम मतलब तीन पिलर्स, तो ऐसे ही शरीर को धारण करने के लिए तीन पिलर्स हैं, वात, पित्त, कफ। इन्हें त्रिस्थूण या त्रिस्तंभ कहते हैं, और इन्हें क्या कहते हैं? त्रिस्तंभ कहते हैं, तथा इनके साथ अन्य स्तंभ इनको शरीर के धारण करने में सहायता करते हैं। ठीक है, इनके साथ जो ये तीन स्तंभ है, ये शरीर को धारण करने में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। इन्हीं के हितकर प्रयोग से, स्वास्थ्य एवं अहितकर प्रयोग से रोगों की उत्पत्ति होती है।
अगर इनका हितकर प्रयोग करते हैं तो क्या मिलता है, स्वास्थ्य मिलता है, और अगर अहितकर प्रयोग होता है तो क्या होता है, रोगों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, ठीक है। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है वो हमने पढ़े हैं त्रयोपस्तंभ के बारे में, कि तीन उपस्तंभ कौन से होते हैं, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। और फिर हमने पढ़ा कि शरीर को धारण करने के लिए जैसे वात पित्त कफ होते हैं उन्हें बोलते हैं त्रिस्तून या त्रिस्तंभ, तो वो भी जो है वो नीडेड होते हैं स्वास्थ्य को मेंटेन करने के लिए, रोगों को दूर रखने के लिए। ठीक है, तो महर्षि वाग्भट ने ब्रह्मचर्य के स्थान पर अब्रह्मचर्य का प्रयोग किया है। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है जो कि पीजी एग्जाम्स में बहुत बार पूछ लिया जाता है, तो ये याद रखना है कि महर्षि वाग्भट जो है उन्होंने बोला था ब्रह्मचर्य की जगह अब्रह्मचर्य। ठीक है, मतलब उनके जो त्रिउपस्तंभ आते हैं उसमें उन्होंने आहार, निद्रा और अब्रह्मचर्य ये तीन काउंट करे हैं, अर्थात मैथुन का सम्यक उपयोग। इसका मतलब ये है कि मैथुन का सही तरीके से यूज करना, परंतु इन दोनों का तात्पर्य एक ही है, पर दोनों ब्रह्मचर्य हो चाहे अब्रह्मचर्य, दोनों का मतलब एक ही आता है, अर्थात ब्रह्मचर्य पालन एवं मैथुन का उपयोग किस प्रकार करना है, ब्रह्मचर्य पालन करना और मैथुन का राइट तरीके से प्रयोग कैसे करना है। ठीक है, आहार त्रयोपस्तंभ का सबसे प्रथम एवं महत्वपूर्ण घटक है, और जो आहार है वो त्रयोपस्तंभ का सबसे प्रथम और सबसे इंपॉर्टेंट घटक है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पिलर कौन सा है, आहार। तो इसलिए हम सबसे पहले किसके बारे में बात कर रहे हैं, आहार की। तो चलिए अब आप सिलेबस देखिए, सिलेबस में पहला टॉपिक है आहार की निरुक्ति, स्वरूप, प्रमुखत्व, आहार, द्रव्य, वर्गीकरण। ये सब दो हेडिंग्स के अंदर है बुक के अंदर, आप ध्यान से देखिएगा। नीचे देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, आहार की निरुक्ति, आई होप आप सबको विजिबल होगा। तो आहार की निरुक्ति देखते हैं, आह्रियते जिह्वा गलादह क्रियते इति आहारः। ठीक है, तो ये एक छोटी सी डेफिनेशन अगर हो सके तो आप लोग याद कर लीजिएगा इसको भी। ठीक है, जिस द्रव्य को जिह्वा एवं गले से नीचे निगला जाता है उसे आहार कहते हैं। क्या बोला है, आह्रियते मतलब लेना, आह्रियते जिह्वा गलादह, जिह्वा गलादह क्रियते इति आहारः। जिस भी द्रव्य को जिह्वा एवं गले से नीचे निगला जाता है उसे आहार कहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन हो गई आहार की, तो आहार की निरुक्ति है ये, तो ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा श्लोक है, आह्रियते जिह्वा गलादह क्रियते इति आहारः। जो भी द्रव्य हम जिह्वा से लेके गले से निगलते हैं उसे हम, उस द्रव्य को हम, उसे आहारो नाम यदन्न मार्ग द्वारा शरीर से अंतराधीयते तत्र च स परिवर्तितः शरीर अव्ययवान परिपोष्यति सुरक्षति तत्क्षति प्रपूरति शरीर शक्ति परिवर्ध्यति जीव्यति च। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ा श्लोक है और इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, हो जाए या तो वेल एंड गुड, ना हो तो नॉट सो इम्पोर्टेंट, आप आहार की निरुक्ति याद रखें। लेकिन अब ये आहार की परिभाषा आ जाती है, तो आहार की परिभाषा क्या होती है, जो द्रव्य अन्न मार्ग के द्वारा शरीर के अंदर जाता है, जो भी द्रव्य अन्न मार्ग के द्वारा शरीर के अंदर जाता है वहां परिवर्तित होकर, वहां पे कन्वर्जन होता है परिवर्तित होकर, मतलब उसका पाचन हो जाता है डाइजेशन के बाद, शरीर के विभिन्न अंगों का पोषण करता है, और शरीर के हमारे विभिन्न अंगों का क्या करता है, पोषण करता है, हमें पुष्टि देता है, हमें बल देता है, सुरक्षा करता है, सुरक्षिति वह उसकी सुरक्षा करता है, क्षति की पूर्ति करता है, कहीं पर अगर कोई डैमेज हो गया, कोई टिश्यू का कोई डैमेज हो गया, कोई सेल का कोई डैमेज हो गया तो उसकी पूर्ति करता है, शरीर की शक्ति को बढ़ाता है, शरीर की शक्ति को बल देता है, बढ़ाता है शरीर की शक्ति को बढ़ाता है एवं जीवन देता है और हमें जीवन देता है, उसे आहार कहते हैं। तो ये आहार की परिभाषा है बेसिकली। तो बोला क्या है, बहुत ही इजी डेफिनेशन है, जो द्रव्य अन्न मार्ग के द्वारा शरीर के अंदर जाता है, ऐसा कोई भी द्रव्य जो शरीर मार्ग के द्वारा अंदर जाता है और क्या क्या करता है वहां पे परिवर्तित होकर, क्या क्या करता है, विभिन्न अंगों को पोषण करता है, सुरक्षा करता है, क्षति की पूर्ति करता है, शरीर को शक्ति बढ़ाता है, जीवन देता है और आहार, उसी को ही कहते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या बोला है, आहार का स्वरूप, वेरी इंपॉर्टेंट, ये नेक्स्ट ही है सिलेबस में, आप देखेंगे ना, प्रमुखत्व, स्वरूप, प्रमुखत्व और आहार द्रव्य वर्गीकरण, वही है ये स्वरूप, महत्व और वर्गीकरण। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, जिस प्रकार यह भौतिक शरीर पंचभूत विकार समुदाय से उत्पन्न है, जैसे कि जो हमारी बॉडी है वो पंच महाभूतों से मिलकर बनी है, उसी प्रकार शरीर पोषक आहार द्रव्य भी पंचभूत विकार समुदाय से उत्पन्न है, उसी तरीके से जो हमारा आहार है वो भी पंच महाभूतों से ही बना है। इस प्रकार संसार के समस्त द्रव्य पंच भौतिक है, इसी प्रकार हम कहते हैं ना कि संसार के जितने भी द्रव्य हैं वो कैसे हैं, पंच भौतिक हैं। ठीक है, तभी बोला जाता है सर्वम द्रव्यम पंच भौतिकम, सर्वम द्रव्यम पंच भौतिकम, ये शरीर भी पंच महाभूत से बना है, आहार द्रव्य भी पंच महाभूत से बने हैं। ठीक है, तो वही बात कही गई है, इन आहार द्रव्यों के भिन्न भिन्न रस गुण कर्म का कारण भी इनका पंच महाभौतिक संगठन है। इन आहार द्रव्यों के जो अलग अलग रस है, गुण है, कर्म है,
उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है इनका पंच महाभूतों से बना होना, ठीक है। आहारत्व गुण से आहार एक ही प्रकार का है, किंतु अर्थ भेद से निम्न प्रकार का हो जाता है। आहारत्व जो गुण है उससे तो आहार जो है वो एक ही प्रकार का है, ठीक है, लेकिन अर्थ के भेद से आहार अलग अलग हो जाता है। कैसे? योनि भेद से अगर देखें तो स्थावर और जांगम, प्रभाव भेद से देखें तो हितकर और अहितकर, उपयोग भेद से देखें तो खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं, चबा भी सकते हैं, लेह के फॉर्म में भी ले सकते हैं, रस के भेद से देखें तो मधुरम, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, गुण के भेद से देखें तो गुरु आदि 20 भेद, और संयोग एवं संस्कार से देखें तो अपरिसंख्य, ठीक है। वेद और उपनिषदों में आहार का विशेष महत्व देते हुए उसे ब्रह्मा की संज्ञा दी गई है। कितनी बड़ी बात है कि वेद और उपनिषदों में आहार का विशेष महत्व दिया गया, उसका आहार को बहुत ही अच्छा एक विशेष महत्व दिया गया है, और उसे ब्रह्मा की संज्ञा दी गई है, जिसने पूरे शरीर, जिसने पूरे संसार की संरचना करी, उसकी जो एक संज्ञा है वो आहार को दी गई है। तो कितना इंपॉर्टेंट है आहार, ये देखना बहुत जरूरी है। इसलिए बोला गया वेद और उपनिषदों में आहार का विशेष महत्व देते हुए उसे ब्रह्मा की संज्ञा दी गई है। महर्षि काश्यप ने भोजन को महाऔषध माना है, और महर्षि जो काश्यप हैं उन्होंने भोजन को क्या माना है? महाऔषध माना है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार पीजी में पूछा जाता है कि महाऔषध किस आचार्य ने, आहार को महाऔषध किस आचार्य ने माना है, तो आपको पता होना चाहिए महर्षि काश्यप ने माना है, ठीक है। उनके अनुसार आरोग्य का कारण भोजन है। महर्षि कश्यप के अकॉर्डिंग आरोग्य का कारण क्या है? भोजन है। आरोग्य भोजनाधीने, ठीक है, मतलब कि जो आरोग्य है वो भोजन के अधीन है। ऐसा कहा जाता है ना कि अगर हम औषध ले रहे हैं पर अगर हमारा आहार ठीक नहीं है तो हम ठीक नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अगर हम औषध लेते जा रहे हैं पर साथ में हम बासा भोजन खा रहे हैं, ठंडा भोजन खा रहे हैं, या टाइम से खाना नहीं खा रहे हैं, ठीक है, तो वो खाना हमें नहीं लगेगा, और उसी प्रकार हमें औषधि भी नहीं लगेगी, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि औषधि आपको लगे तो आपका आहार सबसे पहले ठीक होना जरूरी है। इसलिए महर्षि काश्यप ने आहार को महाऔषध माना है, ठीक है, और इसीलिए उसे ब्रह्मा की संज्ञा दी गई है। इसीलिए कहा गया आरोग्य भोजन अधीने, ठीक है। महर्षि चरक के अनुसार शरीर एवं रोगों का कारण आहार है, ठीक है। ये जो शरीर है और जो रोग है उन दोनों का कारण आहार ही है, ठीक है, बहुत सही बात बोली है। आहार संभवम वस्तु रोगश्चर आहार संभव, ये चरक सूत्र का एक श्लोक है, याद हो तो वेल एंड गुड, नहीं हो तो इट्स ओके, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। चरक ने अन्न को वृत्ति कारक द्रव्यों में श्रेष्ठ माना है। चरक ने अन्न को, जो हमारा अन्न रहता है, उसको वृत्ति कारक द्रव्यों में श्रेष्ठ माना है। अन्न वृत्ति कारणम श्रेष्ठम, आयुर्वेद में कई स्थानों पर अन्न को प्राण की संज्ञा दी गई है, ठीक है। आयुर्वेद में बहुत जगहों में अन्न को किसकी संज्ञा दी गई है? प्राण की संज्ञा दी गई है। तो आप ये याद रखेंगे कि आहार को ब्रह्मा की संज्ञा दी गई, आचार्य काश्यप ने क्या माना? महाऔषध माना, और आयुर्वेद में कई स्थानों पर अन्न को प्राण की संज्ञा दी गई। ये कुछ ऐसी लाइंस है, कुछ ऐसे टर्म्स है जो कि आप अपने एग्जाम में यूज कर सकते हैं आंसर को और अच्छा दिखाने के लिए, ठीक है। आचार्य लोलंबी राज के अनुसार, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, नीचे आ जाइए आप। अर्थात जो रोगी पथ्य भोजन करता है उसके औषध सेवन की आवश्यकता ही नहीं है। बहुत सही बात बोली है कि जो रोगी पथ्य भोजन करता है, अगर रोगी पथ्य भोजन करता है तो उसे औषध की कभी जरूरत पड़ेगी नहीं। एवं रोगी व्यक्ति, और अगर कोई व्यक्ति रोगी है, जैसे कोई श्वास का पेशेंट है और उसे बोल रहे हैं कि ठंडा नहीं खाना और फिर भी वो ठंडा खा रहा है डाइट में अपनी, तो आप उसे औषधि देते रहिए, वो ठीक नहीं होगा, ठीक है। पथ्य भोजन न करे, रोगी व्यक्ति पथ्य भोजन न करे तो उसे औषधि से क्या लाभ? अर्थात पथ्य भोजन ही औषध का स्वरूप है, पथ्य भोजन ही औषध का क्या है? स्वरूप है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स जो आपको याद होने चाहिए इसमें। ओके, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आहार विधि विधान, ठीक है। आहार विधि विधान जो है वो चरक विमान में वर्णन आया है उसका, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में 24 नंबर श्लोक में, ठीक है। तो इसमें आहार विधि विधान में क्या बताया गया कि किस तरीके से हमें आहार का सेवन करना चाहिए, क्या विधि विधान जो है जो हमें फॉलो करने चाहिए, तो वो क्या क्या है? आपको बस ये याद हो जाना चाहिए जो मेन टर्म्स है, बाकी तो आप बना के खुद ही लिख लेंगे, ठीक है। उष्म अश्नियात, मतलब कि उष्ण भोजन करना चाहिए क्योंकि यह स्वादिष्ट लगता है, पाचक अग्नि को बढ़ाता है, शीघ्र पच जाता है, वायु का अनुलोमन करता है, एवं बड़े हुए कफ को सुखाता है। तो कितने पॉइंट हो गए हमारे पास? पहली बात, जब हम गरम गरम खाना खाते हैं तो टेस्टी लगता है, बहुत मजा आता है खाते हुए, तो स्वादिष्ट लगता है, फिर खाते हैं तो जल्दी पच जाते हैं, तो क्योंकि पाचक अग्नि को बढ़ाता है तो शीघ्र पच जाता है, फिर उसके बाद वायु का अनुलोमन करता है, गैस भी अच्छे से पास हो जाती है, ठीक है, तो वायु का अनुलोमन करता है एवं बड़े हुए कफ को सुखाता है, और जो कफ होता है उसको सुखाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें नेक्स्ट है इसमें स्निग्धम अश्नियात,
स्निग्धमशनियात, ठीक है। तो स्निग्धमशनियात में क्या कहा है ये देखना चाहिए हमें। तो स्निग्धमशनियात में इन्होंने बताया है स्निग्ध भोजन करना चाहिए क्योंकि यह स्वादिष्ट होता है, पाच का अग्निवर्धक होता है, शीघ्र पचने वाला होता है, वातानुलोमक होता है, दृढ़ कारक होता है, उपचय कारक होता है, बलवर्धक होता है, वर्ण प्रसादक होता है। तो आपको सिंपली आपको कोई पांच छह एडजेक्टिव्स याद कर लेने हैं, एंड आपको याद कर लेना है ये जो मेन टर्म्स है, स्निग्धमशनियात, ठीक है, मात्रा वदशनियात, जीर्ण अशनियात, वीर्य विरुद्ध अमशनियात, इष्ट देशे इष्ट सर्वोपकरणम चा अशनियात, ठीक है। तो मेनली ये टर्म्स आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। जो सबसे पहले हमने पढ़ा था वो क्या था, उष्णम अशनियात, ठीक है। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, स्निग्धम अशनियात, कि भोजन स्निग्ध होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या आता है, मात्रावदशनियात। मात्रावदशनियात का मतलब क्या है, उचित मात्रा में ही भोजन करना है, क्योंकि मात्रापूर्वक भोजन जो है हमें उचित मात्रा में ही खाना खाना है, मात्रापूर्वक खाना है, क्योंकि अगर हम मात्रापूर्वक भोजन लेंगे तो वात पित्त कफ को बिना कुपित किए केवल आयु की वृद्धि करता है, तो वो वात पित्त कफ को अच्छा रखता है और आयु की वृद्धि होती है। मल रूप बचा हुआ भोजन आसानी से गुदमार्ग द्वारा बाहर निकल जाता है, शरीर की उष्णता को नष्ट नहीं करता एवं बिना कष्ट के पच जाता है, और जो वो खाना होता है वो बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। फिर आता है जीर्ण अशनियात, पहले का भोजन जीर्ण होने से पूर्व पुनः भोजन करने पर आहार का अपरिपक्व रस बाद के आहार रस से मिलकर, जीर्ण अशनियात मतलब पहले का जब डाइजेस्ट हो जाए तो उसके बाद हमें दूसरी मील लेनी है अपनी। जैसे कि मैंने अपनी फर्स्ट मील ली 12 o'clock दोपहर में, तो जस्ट उसके 1 घंटे बाद मुझे खाना नहीं खाना क्योंकि अभी पहले वाली मील का पाचन चल रहा है। जैसे सुबह मैंने 12 बजे खाए आलू के पराठे, ठीक है, और मेरा 1 बजे फिर से मैं ऊपर स्नैकिंग कर लूँ, कुछ चिप्स वगैरह ले लूँ, तो वो गलत तरीका है। मुझे प्रॉपर गैप देना चाहिए, स्नैकिंग भी अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है। 12 बजे खाना खाया है तो लेट इट डाइजेस्ट, जब भूख लगे 3 बजे या 2 बजे तब अपनी नेक्स्ट मील लेनी है, लंच। ओके, पहले का भोजन जीर्ण होने से पूर्व, पहले का खाना पचा नहीं, उससे पहले ही, उससे पूर्व पुनः भोजन करने पर आहार का अपरिपक्व रस, अपरिपक्व रस कौन सा, आलू के पराठे जो पच रहे थे उसका अपरिपक्व रस बाद के आहार रस से मिलकर, जो बाद में खाया उससे मिलकर दोषों को प्रकोपित कर देते हैं, ठीक है। तो अभी डाइजेशन चल रहा है, आलू के पराठे पक रहे हैं, बीच में है अभी, पके नहीं है, और ऊपर से कुछ और डाल दिया, तो वो अभी कच्चा था, कच्चा रस था, उसके साथ वो दोबारा मिल गया, तो वो जो होता है वो क्या करता है, दोषों को प्रकोपित कर देता है। भोजन जीर्णे, भोजन पचने होने के पश्चात ही पुनः भोजन करना चाहिए। जब भोजन पच जाए, जब आलू के पराठे पच जाए, उसके बाद ही आप सेकंड मील लें। यह ठीक से पच जाता है, दोषों का यथास्थान रखता है, इससे क्या होता है, अच्छे से खाना पचता है, दोष यथास्थान रहते हैं, अग्नि प्रदीप्त रहती है, भूख ठीक से लगती है, स्रोतों के मुख खुल जाते हैं, स्रोतों के मुख खुल जाते हैं, मुख शुद्ध हो जाता है, शुद्ध उद्गार आती है, डिकार अच्छा आता है, हृदय शुद्ध हो जाता है, मतलब ऐसे भारी भारी सा नहीं लगता, ठीक है। अगर हम खाना खाते जाएंगे पूरे दिन में तो भारी भारी लगेगा, आलस लगेगा, बिना काम की थकावट लगेगी, ठीक है। वातानुलोमन होता है, तो वात मूत्र एवं मल का ठीक से विसर्ग होता है एवं आयु की वृद्धि करता है। लर्न एनी फाइव ऑफ एडजेक्टिव्स एंड पुट इट हियर, बस आपको उसका मीनिंग याद होना चाहिए। जीर्ण अशनियात का मतलब यह है कि पहले का खाना पच जाए, उसके बाद आपको दूसरी मील लेनी है, नहीं तो दोष प्रकोपित हो सकते हैं। और अगर आप खाना जीर्ण होने के बाद अपनी सेकंड मील लेते हैं तो बहुत अच्छे से डाइजेशन होगा, वात का अनुलोमन होगा, ठीक है, हृदय की शुद्धि होगी, स्रोतों के मुख खुल जाएंगे, शक्ति महसूस होगी, ठीक है, ये सब आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है वीर्य विरुद्ध, वीर्य अविरुद्ध अशनियात, वीर्य के अविरुद्ध, ठीक है, वीर्यम अविरुद्धम अशनियात, वीर्य के अविरुद्ध आहार करना चाहिए, अर्थात आहार द्रव्यों के वीर्य परस्पर विरुद्ध नहीं होने चाहिए। जो आप खाना खा रहे हैं मतलब कि इनकम्पैटिबल फूड कॉम्बिनेशन नहीं खाने, जैसे कि मछली के साथ दूध लेना, ठीक है, खट्टे के साथ दूध लेना, ये सब जो कॉम्बिनेशन होते हैं वो नहीं लेने हैं, वीर्य विरुद्ध हो जाते हैं वो, क्योंकि ठीक है उनसे उनकी व्याधियां, तो उससे व्याधियां हो जाती है। जैसे मछली जो होती है वो गर्म रहती है और जो दूध रहता है वो शीत रहता है, तो वीर्य विरुद्ध हो गए ना, तो वो साथ में नहीं लेना कभी भी, ठीक है। इष्ट देशे इष्ट सर्वो करणम चाशनियात, अपने अनुकूल स्थान एवं उपकरणों युक्त भोजन करना चाहिए क्योंकि इससे मनोविघात नहीं होता। मेरा मन है कि मैं इसी जगह पर बैठ के खाऊं, तो वहीं बैठ के खाना चाहिए, जबरदस्ती नहीं है कि आप बाहर जाके खाओ, ठीक है, या कहीं और जाके बैठ के खाओ, जहां आपका मन प्रसन्न हो, प्रसन्न मन से खाना खा रहे हैं तो जहां मन लगे तो वहां इष्ट सर्व उपकरण चाशनीयात, मतलब कि जहां मन करे वहां, जहां आपको मनोविघात ना हो, जहां आपको बुरा ना लगे, वहां जाके आप आराम से बैठ के जिन जिन चीजों के साथ आपको खाना खाने का मन है वहां जाके आप खाना खाइए, ठीक है। न अति द्रुतम अशनियात, नेक्स्ट देखिए, न अति द्रुतम अशनियात, न अति विलंबितम अशनियात, अजल्पन अहस्न तन्मना भुंजित,
और आत्म नाम अभी समीक्षय सम्यक। ये 10 आहार विधि विधान है जो आपको हमेशा याद रखने हैं, ठीक है। न अति द्रुतम अश्नीयात, अधिक शीघ्रता पूर्वक भोजन नहीं करना चाहिए, ठीक है। बहुत जल्दी जल्दी खाना नहीं खाना चाहिए क्योंकि आहार उन मार्ग में चला जाता है। अगर जल्दी जल्दी खाना खाएंगे तो खाना अंदर जाने की बजाय कहीं और चला जाएगा, ठीक है। भोजन के पश्चात आलस रहता है एवं भोजन मुख व आमाशय में अधिक देर तक नहीं ठहरता है, ठीक है। और अगर जल्दी जल्दी खाते तो क्या होता है, खाना खाने के बाद बहुत ज्यादा आलस आता है और खाना जो होता है वो मुंह और आमाशय में ज्यादा देर तक नहीं रहता है। बहुत जल्दी जल्दी खाते तो बहुत जल्दी जल्दी फिर बॉडी भी काम करती है, बहुत जल्दी जल्दी खाते बहुत जल्दी जल्दी आगे निकल जाता है, ठीक है। तो आराम आराम से खाना है, आराम आराम से खाइए, चबा चबा के खाना है, ठीक है। न अति विलंबतम अश्नियात, अधिक धीमे धीमे भोजन नहीं करना चाहिए। कुछ लोग होते ना, हम खा के हट भी गए और फिर भी वो खाए जा रहे खाए जा रहे, तो इतनी धीरे धीरे भी खाना नहीं खाना। न अति विलंबित चाहिए क्योंकि तृप्ति नहीं होती, क्योंकि फिर तृप्ति नहीं होती, पता ही नहीं चलता कुछ कि खाया नहीं खाया। आहार अधिक मात्रा में लिया जाता है, और आहार बहुत ज्यादा मात्रा में लिया जाता है अगर धीरे धीरे खाते हैं। और धीरे धीरे खाऊंगी तो ज्यादा खाऊंगी ना, आहार द्रव्य शीतल हो जाता है, और खाते खाते अगर इतनी धीरे धीरे खाऊंगी तो खाना ठंडा हो जाएगा एवं आहार का पाचन विषम होता है, और खाना का ढंग से पाचन भी नहीं होता। तो ना बहुत जल्दी खाना है ना ही बहुत धीरे धीरे खाना है, ठीक है। उसके बाद आता है अजल्पन अहस्न तन्मना भुंजते, न बोलते हुए, ठीक है, बोलते हुए नहीं, हंसते हुए नहीं, पर मन लगाकर भोजन करे, अन्यथा शीघ्र भोजन करने वाला दोष हो जाता है, ठीक है। मन लगाकर खाना खाना है, अच्छा सोच के खाना खाना है, कभी भी नेगेटिव एनर्जी से खाना नहीं खाना है, और बोलते हुए नहीं खाना, कहीं की बातें कर रहे हैं इधर उधर की, टॉक्सिक टॉक्स कर रहे हैं वो नहीं करनी है। अच्छे मन से खाना खाना है, जैसे मन से खाना खाएंगे वैसा शरीर हो जाएगा, ठीक है, जैसा अन्न वैसा मन, ठीक है। उसके बाद आत्मनाम अभी समीक्षय सम्यक, मतलब कि अपनी प्रकृति को जानकर भोजन करना चाहिए, जैसी प्रकृति हो वैसा खाना खाना चाहिए। भोजन द्रव्यों के लाभ हानि पर भी विचार कर लेना चाहिए, भोजन द्रव्यों का जो लाभ है या क्या बेनिफिट है क्या नहीं है वो भी जान के। अब जैसे कि कोई अर्श का पेशेंट है तो उसे सादा खाना खाना है, वो स्पाइसी नहीं खा सकता, वो ऑयली नहीं खा सकता, ठीक है। तो उसे अपना विचार करके भोजन लेना चाहिए, इस प्रकार विचार कर साथ में आहार द्रव्यों का ही सेवन करना चाहिए जो शरीर व मन के लिए सुखकारी हो, साथ में कहा जाता है उसको, साथ में कहा जाता है ऐसा खाना खाना जो बॉडी के लिए अच्छा हो, जो आपके लिए हितकर हो, ठीक है। जरूरी नहीं है सामने वाला मिर्ची मसाले वाला खाना खाता तो आप भी वही खाएंगे, नहीं। अगर विपरीत प्रकृति है और आपको हीट बहुत ज्यादा निकलती है बॉडी से, तो आपको थोड़ा खाना ऐसा खाना है जिसमें गर्म मसाले कम हो, स्पाइसी कम हो, ऑयली कम हो, ठीक है। तो अपना विचार करते हुए, अपनी प्रकृति का विचार करते हुए आपको आहार का सेवन करना। तो यहाँ पर हमने खत्म कर लिया है अपना त्रयोपस्तम का फर्स्ट पार्ट, जिसमें कि हमने कवर किया है आहार, निरुक्ति, स्वरूप, प्रमुखत्व, आहार द्रव्य वर्गीकरण और आहार विधि विधान। फॉर फर्दर टॉपिक्स जो कि है द्वादशन प्रविचारणा, अष्टाहार विधि विशेषायत्न, पथ्याहार, अपथ्याहार एंड मेनी मोर, तो उस पूरे टॉपिक के लिए आपको क्लिक करना पड़ेगा त्रयोपस्तम पार्ट 2 पे। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, सो डू लाइक शेयर कॉमेंट। एंड आप कौन सा नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं या कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आप डिफिकल्ट फाइंड कर रहे हैं, वो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। वी विल ट्राई टू मेक द नेक्स्ट वीडियो ऑन दैट टॉपिक, एंड कीप शेयरिंग एंड लाइकिंग द वीडियोज़। थैंक यू।